हेलो दोस्तों, स्टडी ग्रिड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम आरआरबी एनडीपीसी के साइको टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं एस एम आर टी ए के लिए। और किरण की बुक के हम प्रैक्टिस सेट 21 सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 19-20 सोल्व कर चुके हैं और तीन पेपर्स हैं किरण में जो दिए हुए थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2009-2014 के पेपर्स हैं पुराने, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। विद्यासागर बुक में से हम 12 सेट क्लासिफिकेशन सेट के और 10 सेट शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट के डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और भी पुरानी वीडियोस हैं और सम ऑफ ऑड नंबर्स हैं, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग के सारी सब्जेक्ट के हैं पुरानी वीडियोस, तो वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, देन उसके बाद में आप इसको देखें कि लॉजिक आपका क्या था और मैंने लॉजिक क्या लगाया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और स्टार्ट हो जाएं फटाफट से आंसर लगाने में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम किससे कर सकते हैं, वही रोटेशन। साइको के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आपको रोटेशन से सोल्व हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट को अगर मैं रोटेट कर देता हूँ, फर्स्ट को मैं अगर रोटेट कर देता हूँ तो मुझे आराम से फिफ्थ मिल जाएगा, फिफ्थ में मिल जाएगा। कहाँ गया मेरा पेन? फिफ्थ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर थोड़ा भी अगर रोटेट कर देते हो तो थोड़ा सा बस इस तरफ घुमा देंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देखो, सेकंड को अगर मैं रोटेट कर दूं तो क्या मुझे फोर्थ मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन थर्ड को मैं अगर रोटेट कर देता हूँ, देखो सेकंड को रोटेट कर देता हूँ तो थर्ड मुझे मिल जाएगा, थर्ड मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा और ये इस तरफ बन जाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड में रोटेट करने में थर्ड मिल जाएगा लेकिन फोर्थ कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास इसलिए क्या हो जाएगा? फोर्थ। फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऊपर तीन है तो नीचे दो है, 3-2 1। ठीक है, यहाँ पे 4-3 1, ऐसे ही ऊपर तीन है तो नीचे चार है, ऊपर चार है तो नीचे दो है, यहाँ चार है तो यहाँ तीन है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया दो का, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, वही लाइंस काउंट करते हैं अपन। देखो 4 और अंदर 3 है, ठीक है, यहाँ पे अंदर 6 है और बाहर 5 है। ठीक है, बाहर पेंटागन है और अंदर हेक्सागन है, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो 6 है और यहाँ पे कितना है? 5 है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ 4 है, ऐसे ही यहाँ 7 है तो यहाँ पे 6 है, यानी अंदर एक कम चल रहा है लेकिन ये पैटर्न उल्टा है सेकंड के अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में देखो 4 साइड है तो 4 का ये ठीक है, 3 साइड से 3 अपना ट्रायंगल बन सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड ही कम है, देखो यहाँ पे पेंटागन की साइड होती है 5, लेकिन हमें जो बाहर जो लाइन दी कितनी दी है? 4 दी, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? देखो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जैसे सपोज ये लाइन है, तो ये अगर यहाँ पे ऐसा है ना तो वो ऊपर भी वैसा ही बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि फोर्थ ऑप्शन में देखो, फोर्थ ऑप्शन में सेम ऐसा ही है, अगर ये ऐसा है तो नीचे भी सेम ऐसा ही बना हुआ है, लेकिन थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है, घुमा के लगाया हुआ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका? थर्ड, फिफ्थ का। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ में देखेंगे तो देखो सर्कल अगर काउंट करेंगे साइड से तो देखो 3 और 2 5 5, ये तो इसके अंदर तो कुछ डिफरेंस है नहीं। देखो ट्रायंगल, देखो सर्कल 3 है, ट्रायंगल की साइड होती है 3 तो वो भी 3 ही है, थर्ड में भी ऐसा ये 4 है और हेक्सागन में 6 होती है तो सर्कल भी 6 ही है, और ये कितने रखे हैं? 3 4 3 7, हेप्टागन है और यहाँ पे साइड्स भी कितनी हैं? 7 ही है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, चलो इससे तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड में कैसा है कि अंदर 2 सर्कल है तो बाहर भी 2 ही सर्कल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। सेवन देखिए, सेवन्थ में अगर आप एरिया देखोगे तो देखो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया बराबर है, बराबर है, सेकंड में भी बराबर है और फोर्थ में भी बराबर है, फिफ्थ में और फोर्थ में दोनों में एरिया है जो बराबर है, लेकिन थर्ड में जो एरिया है वो बराबर नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। लाइन जो डिवाइड कर रही है उसके बाद जो एरिया बन रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है, ध्यान दे रहा है इस पे, देखो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया बराबर, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं ये वाले, लेकिन ये दोनों एरिया आपस में बराबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसलिए थर्ड। एट्थ देखते हैं, एट्थ में क्या है, पॉइंटर मुझे तिक्के से नहीं रहा, पॉइंटर को थोड़ा मोटा करना पड़ेगा लग रहा है। अब ठीक है, ये देखो ऊपर दो हैं तो नीचे भी दो हैं, ऊपर दो हैं नीचे दो हैं, नीचे पहले तो काउंट कर देखते हैं बराबर है भाई, इससे एलिमिनेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। उसके बाद देखो रोटेशन देखें तो ये अगर डाउनवर्ड है तो वो ऊपर की तरफ है, ठीक है भाई, इसमें दोनों सेम है और इसमें यानी उल्टे हैं तो इसमें दोनों सेम है, तो इस चीज़ से भी हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक ये बात है कि ये कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है तो ये दूसरे कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो जैसे कि हर कहीं पे ऐसा लग रहा हो, सेकंड में इस कॉर्नर से तो इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, लेकिन फिफ्थ में एग्जैक्ट उसके नीचे है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ। नाइन्थ क्वेश्चन है, हम रोटेशन से कर सकते हैं सिंपली, तो इसको आप प्लीज सोल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, आप क्या करेंगे। टेंथ में देखो ये तो आपको साफ ही दिख रहा है, इसका आंसर भी आप बता सकते हैं, हर जगह तीन तीन फलक थी वो ब्लैक थी लेकिन इसके अंदर दो हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। इलेवंथ, इलेवंथ में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, ऊपर नीचे की जो शेप है वो देखिए सेम है बिल्कुल, देखो इसमें दोनों सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ ये स्क्वायर आ गया तो ये पेंटागन आ गया, आंसर हो गया फोर्थ। इसमें देखो ये दोनों सेम है ट्वेल्थ के अंदर, ठीक है, और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, यानी हर ऑप्शन के अंदर एक जो फिगर है वो सेम है, लेकिन सेकंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड के अंदर ये दोनों सेम नहीं है और ये दोनों भी सेम नहीं है, ठीक। थर्टीन देखिए, थर्टीन के अंदर हमारे पास जो भी जो फिगर्स है वो लाइन से ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन थर्ड जो ऑप्शन है ये कर्व शेप आ गई है तो ये अलग हो गया, तो इसलिए आंसर क्या हो गया थर्ड। फोर्टीन देखिए, फोर्टीन के अंदर हमारे पास क्या है, लाइन काउंट कीजिए, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, विद्यासागर में भी तीन लाइनें तीन तीन को काट रही हैं, तीन हॉरिजेंटल है और तीन वर्टिकल है, ठीक है, तीन सीधी लाइनें हैं, तीन ऐसे खड़ी लाइनें हैं, तो एक दूसरे को काट रही हैं बराबर है, यानी कि चार चार को काट रही हैं, दो दो को काट रही हैं, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिफ्टीन, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको काफी सोच के बताना पड़ेगा मुझे क्या आंसर हो सकता है इसका, अगर वीडियो के अंदर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो कहाँ गया मेरे पास पेन नहीं रहा। तो फिफ्टीन क्वेश्चन आपको खुद से बताना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नहीं होता तो अगली वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन करते हैं। 16 देखो, 16 तो हम रोटेशन से कर सकते हैं, देखो फर्स्ट को मैं रोटेट कर देता हूँ तो सेकंड आ जाएगा और फोर्थ भी आ जाएगा रोटेशन करने पे, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा एंगल इसमें गड़बड़ दे रखा है, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था ये, और इसको रोटेट करता हूँ तो मैं फिफ्थ भी हमारे पास रोटेशन करने से आ जाएगा, लेकिन थर्ड कभी भी रोटेशन करने से नहीं आएगा, इसको रोटेट करेंगे तो इस तरफ चला जाएगा, ये एरो इस तरफ आ जाएगा और वो सर्कल इस तरफ आ जाएगा जैसे, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, तो आंसर हमारे पास 16 का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। 17 देखिए, 17 भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे ऊपर ब्लैक पोर्शन है, यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर है, ऐसे इसको अगर देखेंगे तो फोर्थ में देखो, फोर्थ में यहाँ नीचे तो वहाँ भी नीचे, अपोजिट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। 18 में देखिए, एरो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, हर कहीं हर ऑप्शन के अंदर चल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट के अंदर ये अलग ही रामायण है। चलो 19 देखते हैं, 19 में क्या आपको सबसे अलग दिख रहा है, सबसे पहले तो लाइन्स देखिए, यहाँ पे चार अगर ऊपर है तो एक नीचे है, ठीक है, फर्स्ट भी ऐसा ही है, सेकेंड भी ऐसा ही है, लाइन ही कम है मुझे लग रहा है 19 का, 19 का क्या फोर्थ है, इसके अंदर एक लाइन ही कम है और ऊपर से ये पैटर्न भी बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का फोर्थ। 20 आपको रोटेशन से कर लेना है, ये रोटेशन चल ठीक है, ये रोटेशन चल रही है, ये रोटेशन चल रही है, इसमें तो रोटेशन से तो ये नहीं हो पाया, गड़बड़ है। 20 लेकिन ये क्या है, ये देखो थर्ड जो ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा, देखो ये लाइन किस तरफ बना है तो लाइन उस तरफ बनता है, उस तरफ बनता है, इस तरह से रोटेशन की तरह वो बनता है, रोटेट में जैसे बनता है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इस पोर्शन के अंदर, अगर यहाँ स्टार्ट हुआ है तो अगले पोर्शन में यहाँ स्टार्ट होगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन के अंदर बिल्कुल आमने सामने ही बना दिए ये, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। 21 देखिए, 21 भी ठीक क्वेश्चन है, ये देखो 21 में हमारे पास एक फिगर है तो
ये दोनों तो सेम है उस तरीके से, तो हम इसको एलिमिनेट कर नहीं पाएंगे, ये दोनों तो सेम ही है एक तरीके से। अब ये देखो कि जो ये फिगर है ये एक तरीके से 120 डिग्री के आसपास एक एंगल है, मैं ऐसे अंदाजे से बोल रहा हूँ लगभग, यानी एंगल सेम सा ही दिख रहा है, तो उस एंगल के सामने ये बना हुआ है। ऐसे ही इसमें देखो उसके सामने बना हुआ है, इसमें भी सेम वैसे बना हुआ है, इसमें भी लगभग उसके इस फिगर के सामने बना हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये अगर यहाँ बनता तो सभी के बराबर सेम रहता, लेकिन ये बन गया यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिफ्थ। 22 देखिए, 22 में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, इन सभी फिगर को सभी इसमें देखिए मैच करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे देखो तीन एरो दे दिए, 1 2 3, ट्राइंगल वाली जो शेप थी वो तो गायब ही कर दी है, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। ये आप मिरर फिगर से कर सकते हैं, सिंपल है एकदम, 23 तो आपको बताना ही पड़ेगा, या आराम से आप बता सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन हम बोथ कर चुके हैं, 24 वाला क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, और 25th भी बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हम क्लासिफिकेशन टेस्ट के, मुझे लग रहा है कम से कम 400 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 400-500 हो गए होंगे लगभग, क्लासिफिकेशन के ही वीडियो मेरी सबसे ज़्यादा है। आज सोच रहा हूँ एक ओड नंबर की वीडियो हम टाइमर के साथ चलाने की देखते हैं, थोड़े ट्रिक सीखेंगे देन उसके बाद वीडियो। ये देखो इस तरह क्वेश्चन ना पिछली वीडियो के अंदर भी था, और उसका मैंने सवाल पूछा था तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो बता नहीं पाया कोई अभी तक। तो देखो इसमें फलक आप काउंट करो कितनी है, लाइंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 तो 6 जो लाइन है उनसे ये बनेगी फलक, और बाहर ये कितनी होगी, 3, तो 6 और 3 9। ऐसे ही देखो मैं सिंपली अब गिन सकता हूँ, 4 5 5 और 4 9, ऐसे ही यहाँ देखो यहाँ पे कितनी है, 4 और बाहर कितनी है, 5, तो कितना हो गया, 9। ऐसे ही देखो एकदम 6 6 और 4 कितने हो गई, 10, और वहाँ आप काउंट करोगे तो यहाँ पे कितनी हो गई, 1 2 3 4 4 8 8 और 1 9, ज़्यादा किसके अंदर आ रहा है, देखो सभी में 9 आ रहा था, इसमें 10 आ रही है, आंसर क्या हो गया, 4th। 27 करते हैं, देखो सभी को आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो काउंट ही कर लो, 4 4 5 4 4 5, 5 क्या काउंट कर रहा हूँ मैं, सेमी सर्कल जो आधा गोला है वो काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, लेकिन इसमें आप काउंट करोगे तो कितने हो गए दोस्तों, 6, ठीक है, और इसमें अगर काउंट करेंगे तो इसमें कितना है, 5, तो आंसर क्या हो गया, 4th। जल्दबाजी में कभी कभी कुछ अगर गड़बड़ हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये गलत हो गया, हम भी ह्यूमन बींग है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है मुझसे भी। ये देखो 28 देखिए, 28 में क्या हो गया, शेप देखो ऊपर नीचे की, ऊपर नीचे की शेप, ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं, ऊपर नीचे की शेप, 4th में गड़बड़ है। 29 देखिए, 29 में क्या है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, और यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, साइड्स काउंट कर रहा हूँ जो पहली बार देख रहे हैं कृपया ध्यान दें, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, और यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ कितना है, 3 है, ठीक है, तो बाहर जो क्या है वो हर किसी के अंदर बड़ा ही आ रहा है। बाहर बड़ा ही आ रहा है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर देखो, फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो बाहर वाली साइड है वो 5 है और अंदर की 6 है, बाकी ऑप्शन के अंदर बाहर वाली साइड थी वो बड़ी थी, ठीक है, अंदर से, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, 4th। 30 क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो इन दोनों की डायरेक्शन ना हमेशा अपोजिट रही है, या फिर एक ये लिंक हम ये कर सकते हैं कि भाई ये जो साइड है ना, सबसे पहले इस तरीके से देखना चाहिए हमें कि ये जो साइड है इसके साथ जो ब्लैक डॉट है, इसके साथ ब्लैक डॉट है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ है, तो इस तरीके से देखो दो ऑप्शन, अगर दो ऑप्शन के अंदर हो गई है और तीन में वो आ रहा है, तो हम ये क्राइटेरिया तो फिल कर नहीं सकते, वो क्राइटेरिया हमारा यहीं फेल हो गया। अब इन दोनों डायरेक्शन देखते हैं, ये डायरेक्शन और ये जो ब्लैक वाले की डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें अपोजिट है, थर्ड में अपोजिट है, लेकिन ये दोनों इसमें यहाँ पे गया सेम डायरेक्शन में आएगा, ये एल और ये जो सर्कल है डार्क सर्कल है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th। 31 देखिए, 31 में हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कि सी का जो है वो मुंह, कितने सी का मुंह उसकी तरफ साइड की तरफ है और कितना अपोजिट तरफ है। देखो यहाँ पे देखो ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तीन बाहर की तरफ है और दो साइड्स के अंदर है, ठीक है। ऐसे ही
इसमें देखेंगे तो तीन बाहर की तरफ है और दो साइड की तरफ है सेकंड ऑप्शन के अंदर। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो वन टू, इसमें शायद उल्टा हो गया है। देखो तीन साइड की तरफ है, तीन बाहर की तरफ होने चाहिए ना, तीन बाहर की तरफ होने चाहिए। तो एक दो तीन, तीन बाहर की तरफ है ठीक है, और दो साइड की तरफ है, ये भी सेम वैसा ही है 31 भी। फिफ्थ देखते हैं इसका, फिफ्थ फिफ्थ में देखो इसमें उल्टा हो गया। देखो इसमें देखो तीन अंदर की तरफ हो गया, अब तीन पहले बाहर की तरफ था, तीन अंदर की तरफ कर दिया इन्होंने, तो आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ। एरो का डायरेक्शन देखो, एरो सेम डायरेक्शन में, एरो सेम डायरेक्शन में, एरो सेम डायरेक्शन में, और एरो अपोजिट डायरेक्शन में, वो वहाँ यहाँ, तो आंसर हो गया फोर्थ। 33 देखते हैं, 33 देखो, 33 में बुक में तो कुछ आंसर इसका अलग दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। और मुझे इसके अंदर लगा कि ये जो स्क्वायर है इसके अंदर ये अलग शेप दे रखी है, ये वाली, तो इसलिए मैंने आंसर दिया था इसका फिफ्थ। देखो इसके अंदर देखो यहाँ ये नहीं है, अब इसने पता नहीं क्या फिलिंग पोर्शन के हिसाब से किया है, किस हिसाब से किया है। 33 का दोस्तों आंसर है थर्ड, ठीक है। आप इसको बताना कि आपको कुछ लॉजिक समझ में आ जाता है तो, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक से हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो ये जो स्क्वायर है ये इसके अंदर एक्स्ट्रा है, तो इस हिसाब से आंसर तो फिफ्थ होना चाहिए था। चलो देखते हैं आगे, अगर इसका कुछ पता चलता है तो अगले किसी वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो 34 में काउंट करते हैं, हमारे पास ब्लैक जो है वो कितने, देखो तीन और दो पाँच, दो सात, यहाँ पे कितने हैं, सेवन है जो डार्क है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ फाइव है जो डार्क है, यहाँ पे हमारे पास 11 है जो डार्क है, यहाँ पे कितने हुए, तीन और तीन छः, छः और दो आठ, यहाँ पे आठ हो गए ठीक है, और वहाँ कितने हुए फाइव। तो प्राइम नंबर से हम इसको कर सकते हैं, ओड नंबर से कर सकते हैं, सबसे अलग आठ दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, 34 का फोर्थ। 35 क्वेश्चन आप रोटेशन से कर सकते हैं आराम से, इसको रोटेट करके देखिए और आंसर बताइए कि क्या होगा। तो हमने दोबारा और 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो कि किरण का 21 सेट है, ये 21 सेट है, इसके हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले हम क्लासिफिकेशन टेस्ट की तो पूछे मत, कम से कम 450-500 क्वेश्चन हो गए हमें डिस्कस करते हुए, हमें प्रैक्टिस आपकी एकदम शानदार हो चुकी होगी, क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होंगे, गलती से 35 में से 35 नहीं तो कम से कम 33 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही होने हैं ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गिडा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं, इसकी ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल सके। अगली जो वीडियो थी आज, मैं सोच रहा हूँ कि ओड नंबर पे एक एक वीडियो आए, और टाइमर के साथ हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, टाइमर के साथ आप सोल्व करेंगे ठीक है। और क्लासिफिकेशन की अगर आप चाहते हैं कि टाइमर के साथ वीडियो आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि टाइमर के साथ हम ये क्लासिफिकेशन वाली वीडियो लाएँ क्या। इसके बाद फिर एक इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग की वीडियो भी जल्द ही आएगी ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट आपको करना है जो भी आप क्वेश्चन मैंने पूछा है विद लॉजिक, काफ़ी बच्चे हैं जो लिख रहे हैं ठीक है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बता रहे हो आंसर अपने, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ये सब आपके लिए ही है ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी करें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और लॉजिक के साथ लिखिए कि इसका ऐसा क्यों आंसर है ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग, बाय।